नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है और राजस्थान में अचानक से मौसम पलटा है और आंधी तूफान के साथ दोस्तों भारी बारिश शुरू हो गई है। साथ ही में कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है जिससे किसान भाई चिंतित नजर आ रहे हैं। साथ ही बात करें कि देर शाम होते होते अचानक से जो पूर्वी राजस्थान है इसके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली, इन ज़िलों में दोस्तों जो मौसम है वो पलटा है। घने काले बादल छा गए हैं और चारों ओर अंधकार सा छाकर दोस्तों भारी बारिश है जो शुरू हो गई है। बारिश के साथ ही दोस्तों जो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और करौली, इन ज़िलों में पहले हल्की हल्की बरसात शुरू हुई और उसके बाद में दोस्तों भारी बरसात शुरू हुई तथा दोस्तों बरसात के साथ ही जो आंधी है और ओलावृष्टि है वो भी देखने को मिल रही है। वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के द्वारा अगले 4-5 दिनों में पूरे राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं यहाँ पर भारी बारिश, आंधी तूफान, अंधड़ और ओलावृष्टि का जो अलर्ट है जारी किया गया है। साथ ही बता दें कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर तथा दोस्तों जो पूर्वी ज़िले हैं इनमें ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश होने वाली है। साथ ही दोस्तों बता दें कि किसान भाई इसलिए चिंतित हैं कि राजस्थान में इस समय जो सरसों की फसल है उसकी कुटाई और कटाई चल रही है। खेतों में जो फसल है वो दोस्तों पड़ी हुई है, ऐसे में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और दोस्तों तेज़ रफ्तार से जो हवा चल रही है इससे जो गेहूँ की खड़ी फसल है वो भी धरती पर गिर रही है और चौपट हो रही है। तो दोस्तों इस कारण से किसान भाइयों का बेहद ही नुकसान होने का अंदेशा मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है और दोस्तों मौसम का ये क्रम राजस्थान में अगले 4 दिनों तक लगभग 20 मार्च तक रहने वाला है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी पाने के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले 24 घंटे में पूरे राजस्थान में एक बार मौसम पलटा हुआ दिखेगा और कई जगह हल्की तथा कहीं पर मध्यम वर्ग की जो बारिश है वो आपको देखने को मिलेगी।